मेटिस लूटेगा और इटली जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट, बस यही प्लान है। वो वही नेता है जो एक समय में सतीश शर्मा चुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा था कि अमेठी की जनता बिकाऊ है। ये वही है, ये वही किशोरी लाल है, दूसरे नहीं है। वही कंबल चोर है। कंबल चोर है जिसको कंबल चोरी का इल्जाम लगा हुआ था तो रायबरेली भाग गया था। क्या मामला है कंबल चोरी? वो तो कंबल चोरी कर रहा है तो अमेठी बेच लेगा आएगा तो। हाँ, वो तो पुराना चोर है, अमेठी वालों को चोर कहता था। कंबल चोर फला चोर, अब विकास का सारा पैसा खा गए अमेठी के जब तक ये सांसद रहे। कौन? यही कांग्रेस वाले है, केएल शर्मा। दो ट्रक कंबल चोरी का इल्जाम उसके ऊपर पहले लग चुका है। दो ट्रक हमने नहीं, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाए थे तो जब राहुल गांधी यहाँ से उठा के पटक दिए उनको रायबरेली, भैया यहाँ देखिए वहाँ पे आप चोरी का इल्जाम लगा है आपके ऊपर, यहाँ से भाग जाइए, नहीं जनता है, जनता मुंह नोच लेगी आपकी। ये जनता मुंह नोच लेती उस टाइम अगर मिल गए होते किशोरी लाल तो। अमेठी में केवल 6 लोग गए, 40 लोग रावलीस गए थे। हम लोगों को नहीं पहचानने वाले हैं केएल शर्मा, राहुल गांधी। बहुत सही, हम उनको वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया, मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार अमेठी की जंग कौन जीतेगा, यही सवाल है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है। 20 तारीख को चुनाव होना है और दोनों पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर अमेठी में लगा दिया है। स्मृति ईरानी की तरफ से भाजपा के तमाम लीडर यहां पर इस वक्त जनता से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं किशोरी लाल शर्मा को जिताने के लिए भी कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री अमेठी के दौरे कर रहे हैं। लेकिन अमेठी की जनता क्या चाहती है, अमेठी की जनता क्या करने वाली है, आखिरकार 20 मई को होने क्या वाला है, सीधा बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? लल्लन प्रसाद मौर्य। लल्लन प्रसाद मौर्य साहब, क्या लग रहा है अमेठी की जनता चाह क्या रही है, क्या होने वाला है अमेठी में? भाजपा को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। हाँ। जी, भाजपा यहाँ जीतेगी। भाजपा के कार्यकर्ता तन मन से अपने जुटे हुए हैं, हर बूथ पर गांव गांव जा रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, बराबर अपना संपर्क कर रहे हैं। पीछे की जो जीत रही वो आपकी 5 गुना ज्यादा से भाजपा जीतेगी अमेठी की। जो जीत रही 19 की? हाँ, 19 से 5 गुना ज्यादा वोट जीतेगी। किशोरी लाल शर्मा आए, बोले 500,000 वोटों से जीतेंगे, दीदी को हरा रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा को हम लोग जानते ही नहीं है, न चेहरा आज तक देखे है, हाँ ना आज तक उनके हेड चीफ जो है राहुल गांधी यहाँ तक आप दिखाई दिए कभी। हाँ, तो किस दम पे वो जीत लेंगे भाई साहब, किस दम पे वो जीत लेंगे? किशोरी लाल शर्मा का हम लोग चेहरा ही नहीं देखे हैं, घूमते टहलते लोग हैं, कभी देखे ही नहीं है। अरे आज किशोरी लाल शर्मा तो कांग्रेस के सबसे बड़े पुराने नेता हैं, किशोरी लाल शर्मा तो पीए हैं। वो वही नेता है जो एक समय में सतीश शर्मा चुनाव हारे थे तो उन्होंने कहा था कि अमेठी की जनता बिकाऊ है। ये वही है, ये वही किशोरी लाल है, दूसरे नहीं है। वही कंबल चोर है। क्या? वही कंबल चोर है जिसको कंबल चोरी का इल्जाम लगा हुआ था तो रायबरेली भाग गया था। क्या मामला है कंबल चोरी? वो तो कंबल चोरी कर रहा है तो अमेठी बेच लेगा आएगा तो। हाँ, वो तो पुराना चोर है, अमेठी वालों को चोर कहता था। किशोरी लाल कह रहे दीदी हार रही है। दीदी नहीं हार रही है, वो हार रहा है। वो हफा बचनम किम दलिद्रम, वो तो ऐसे दलिद्र है, वो तो वोट से दलिद्र, वोट पा ही नहीं रहा है। हाँ, तो केवल हफा सब झूठे हैं, कंबल चोर, चुंगी चोर, ये सब झूठा र्यूमर फैलाया जा रहा है। हाँ, केवल र्यूमर, केवल उसके कार्यकर्ता वही पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, पैसा नहीं पाएंगे फिर वापस चले आएंगे, केवल पैसे के लिए। वहाँ तो कांग्रेस में पैसे के लिए, हाँ पैसे के लिए, हाय पैसा, हाय पैसा, फिर आए फिर चोरी करने को मिले, चोरी करने को मिले। हाँ, क्या भाई सब कह रहे हैं कंबल चोर, ये चोर क्या है आखिर? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। जी हाँ, 100% सही कह रहे हैं। यही कंबल चोर फला चोर, अब विकास का सारा पैसा खा गए अमेठी के जब तक ये सांसद रहे। कौन? यही कांग्रेस वाले है, केएल शर्मा। और क्या, जब ये 19 का चुनाव हारे उसके पहले इनका जो भी अमेठी का विकास नीति था वो कहाँ चला गया, वापस गया, कुछ करे ही नहीं, खाली उमर आए फला आए, उनको दिखाई ये रही मेरी अमेठी, ये रही मेरी अमेठी। अमेठी में क्या था, वो एक स्टेशन दिखाने के लिए बाहरी लोगों का था, बाकी कुछ नहीं था एकदम। ये जिस रोड पे चल रहे हैं, इन्हीं के जिसके साथ लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ इनका गठबंधन है। और मायावती यहाँ इस जिले को बनाई, मायावती इस जिले को बनाई, अखिलेश आए कि इनके पिताजी मुख्यमंत्री हुए, तुरंत जिले को खत्म कर दिया। अच्छा, जी हाँ, तो कहाँ से कौन विकास करेंगे, जब विकास का समय आए तो इन्होंने जिले खत्म कर दिया। बने रहे कि कुमारशंकर पांडे जी मुकदमा लड़े, कोर्ट से जीते, तब जिला बहाल हुआ, अब जाके विकास हुआ, उसी सड़क पे कांग्रेस ही टहल रहे हैं, भाजपा सफाई सब टहल रहे हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे भाई साहब, कैसे देख रहे हैं? किशोरी लाल शर्मा तो कह रहे केवल 500,000 वोटों से हार रही है दीदी। किशोरी लाल शर्मा को 50,000 वोट नहीं मिलने वाला है, वो क्या 500,000 से जीतेंगे?
बिल्कुल वेल डन। 50,000 वोट नहीं मिलेगा हर बूथ पे किशोरी लाल शर्मा को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर बूथ पे जमानत जब्त हो रही है, हर बूथ पे जमानत जब्त हो रही है, जमानत बचाए। और वो कंबल चोर यहाँ से चुनाव जीतने वाला नहीं है। रही बात विकास की, तो पीछे देख लीजिए बाईपास चमचम। कंबल चोर आपने क्या बोला? दो ट्रक कंबल चोरी का इल्जाम उसके ऊपर पहले लग चुका है। दो ट्रक हमने नहीं, वही कांग्रेस के कार्यकर्ता लगाए थे, तो जब राहुल गांधी यहाँ से उठा के पटक दिए उनको रायबरेली, भैया यहाँ देखिए वहाँ पे आप चोरी का इल्जाम लगा है आपके ऊपर, यहाँ से भाग जाइए, नहीं जनता है, जनता मुंह नोच लेगी आपकी, ये जनता मुंह नोच लेती उस टाइम अगर मिल गए होते किशोरी लाल तो। क्या दादा? हाँ बोलिए बोलिए। कर्नाटक में रातों रात हमारे जो ओबीसी भाई हैं उनका आरक्षण अल्पसंख्यकों को दे दिया गया, किस बिहेव पे दिया गया वे पूछना चाहता हूं कांग्रेस से। कर्नाटक में रातों रात ओबीसी का आरक्षण दे दिया गया, आप मीडिया हैं आपको खुद पता होगा क्यों दे दिया गया। हमारे भाइयों एक किसी का हिस्सा किसी दूसरे के हिस्से कैसे दे सकते हैं हम? हमारा विरोध नहीं है लेकिन दे क्यों सकते हैं हम? अपना हिस्सा क्यों दे सकते हैं? लेकिन कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि मोदी जी संविधान को ही बदलना चाहते हैं। ये संविधान को छेड़खानी की है, अगर ये रातों रात ना बदलते। अच्छा अब बता दीजिए कि संविधान वहां छेड़खानी हुई है कर्नाटक में कि मोदी जी छेड़खानी कर रहे हैं? अगर किसी परिवार का मुखिया है, अगर पहली प्रथा चली आ रही है नए जमाने में जीना चाहता है तो बदलाव नहीं होगा? बदलाव होना चाहिए ना, बिना बदलाव की राजनीति कौन सी होती है? हम पुराने ही प्रथा पे चलते रहे, हम वैसे ही लड़िया पे चलते रहे, अब हमारे पास स्कूटर मोटरसाइकिल ना हो तो होगी ना। 8,500 रुपए खटाकट खटाकट आएंगे राहुल गांधी ने। 8,500 वहां से राजीव गांधी जी खुद कहते थे कि हम वहां से 1 रुपए भेजते हैं, 25 पैसा यहां मिलता है हमारी जनता को, 15 पैसा। हाँ तो कैसे यहां से अब 1 रुपए वहां से चलता है, 1 रुपए खाते में आता है, 1 रुपए। वो पिताजी थे, अब बेटा है, 1,00,000 रुपए भेजेगा? कुछ नहीं भेजेगा, 1 पैसा ना, 1,00,000 रुपए उनके पास प्लान ही नहीं है, प्लान ही नहीं है 1,00,000 भेजने का, कुछ भी प्लान नहीं है। इतना कागज मांगेंगे कि कोई दे ही नहीं पाएगा। हिंदुस्तान का लूटा हुआ धन जो इटली में, वहां से ला के 1,00,000 रुपए पर व्यक्ति देंगे वो। इटली में? और क्या, इटली में, इटली जो ये लूट के ले गए हिंदुस्तान का धन, अमेठी से लूटेगा और इटली जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट, बस यही प्लान है। परिवर्तन होने जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, हम बता रहे हैं 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट खुले हैं। 1.5 करोड़, अगर हाँ अगर मैं आपको बता दूं, अगर पीएफ अकाउंट खुले हैं तो नौकरियां बिना मिले पीएफ अकाउंट खुल जाते हैं। आप बता दीजिए 1.5 करोड़ पीएफ अकाउंट खुले हैं और 5 साल में एक बम धमाका नहीं हुआ है। और कश्मीर में पहली बार पंचायती चुनाव हुआ है, जाके देखिए वहाँ पे। हाँ पहली बार 2.5 करोड़ हर साल रोजगार देने का मतलब प्रबंध बनाए थे, कहाँ गया रोजगार? रोजगार रोजगार क्या होता है भाई साहब, से पूछ लीजिए परिभाषा, बता नहीं पाएंगे परिभाषा। रोजगार की भैया परिभाषा तो ठीक है, पर उन्होंने जो वादा किया था 2.5 करोड़ दिया है, 2.5 करोड़ हर साल देंगे भैया, और अग्निवीर बना दिया। रोजगार कहाँ दे पा रहे हो स्मृति ईरानी को? रोजगार सुनिए, पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए। 14 के पहले क्या 14 कांग्रेस शासन में अगर इतनी नौकरियां कांग्रेस दी होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती जो भाजपा के लिए उंगली उठा रहे हैं। भाजपा में नौकरी नहीं मिली किसी को, बहुत नौकरियां मिली हैं। अच्छा हाँ। यानी 14 से पहले सब डीएम एसडीएम ने, हाँ जब भाजपा सत्ता में आई तो सबको रिटायर कर दिए, सबको रिटायर। हाँ कांग्रेस में सब एसडीएम एसपी कमिश्नर सब थे। लेकिन कह रहे वर्दी दी जा रही है, जाएंगी नहीं, वो लास्ट में चुनाव होगा तो पता चल जाएगा कौन जा रहा है कौन आ रहा है। केएल शर्मा आ रहे हैं, केएल शर्मा आए तो हैं, वैसे जैसे आए वैसे चले भी जाएंगे। हाँ भाई साहब आप बताइए, दादा आपसे बहुत देर से बात नहीं हुई, बताइए क्या कहेंगे? केएल शर्मा तो कह रहे हैं 5,00,000 से हरा रहे हैं। केएल शर्मा 50,000 वोट नहीं पाएंगे यहाँ अमेठी में, और राहुल गांधी भी हार रहे हैं और केएल शर्मा भी हार रहे हैं। पूरे यूपी में कांग्रेस को बोहनी नहीं होगी, बोहनी हाँ, एक भी सीट नहीं मिलेगी कांग्रेस को। अरे कांग्रेस तो बन रही है प्रधानमंत्री राहुल बन रहे, सपना भूल जाए, मुंगेरी लाल का सपना देखना भूल जाए, वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अपने जीवन में। वो राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अपने जीवन, न प्रधानमंत्री बनेंगे, न सगाई होगी राहुल, हाँ नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, कुंवारे रह जाएंगे प्रधानमंत्री।
वो बनेंगे ही नहीं, वो बनेंगे नहीं, कुंवारे रह जाएंगे। आप बताइए, कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो, सब कह रहे हैं। साथी होगी नहीं प्रधानमंत्री, किस देश में प्रधानमंत्री बना दिया जाए? बीबी के लिए खर्चा, देश की हमारे देश का बीबी के लिए खर्चा लगता है, और खर्चा करने के लिए नौकरी चाहिए। जब ये जीतेंगे नहीं, यहाँ से कुछ पाएंगे नहीं, नौकरी मिलेगी कहाँ? नौकरी नौकरी पर सारा मामला आ जाता है भाई। नौकरी जो पढ़ लिख रहे हैं उनको नौकरी मिल रही, बिना घूस के नौकरी मिल रही है। और राहुल जी कह रहे हैं जो 1,00,000 रुपए हम देंगे, 45,00,000 करोड़ रुपए हमारे देश का बजट है, ये 60,00,000 करोड़ रुपए कहाँ से बांटेंगे भैया? वो तो कह रहे 1,00,000 रुपए खटाखट आएगा खाते में। ये अपने दादा खाते से लाएंगे, फिरोज गांधी के सरकार, फिरोज गांधी खाते से लाएंगे कि जिन्ना से मोदी को हराओ, मोदी को हराओ, जिन्ना से मोदी को कोई हराने वाला पैदा, जिन्ना से कहाँ मांगेंगे, जिन्ना तो चले गए। अरे होगा, कहीं रखे होंगे, गुप्त अकाउंट होगा उनको, उनसे मांगेंगे ना, उनके दादा है फिरोज गांधी, उनके दादा उनसे मांगेंगे भाई वो, और क्या, फिरोज खान से, फिरोज खान और क्या, अरे फिरोज गांधी नाम है उनका, फिरोज खान है, फिरोज खान है, फिरोज खान है। गांधी तो उधार में लिया हुआ है भैया, गांधी तो उधार में मिला है उनको, अपने दादा का नाम ही नहीं बताते हैं। जब बरदेखा आते हैं उनके शादी के लिए तो दादा का नाम पूछते हैं, तो अपने दादा का नाम ही नहीं बताते हैं, तो कौन अपनी लड़की देगा उनको? अपने लड़की देंगे ना, शादी होगी, प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले दादा का नाम बताएं तो दें, दादा का नाम ही नहीं बताते हैं, दादा का नाम बताएंगे तो शादी होगी। तो इधर आइए, आप बड़ी नई नई बात कर रहे हैं, कभी कंबल चोरी वाली बात कर देते हैं, कभी दादा वाली बात कर देते हैं, कभी फिरोज खान वाली, मतलब कहानी क्या है? पहले कंबल चोर से शुरू करो, क्या कहानी है? जब खानदान ही रहस्यमयी है तो ऐसा रहस्य खुलता रहेगा। कंबल से रहस्य खोलो जरा। कंबल से दो ट्रक कंबल किशोरी लाल चोरी किए तो वहाँ से भगाए गए, इनके बिचारी की शादी नहीं हो रही, दादा का नाम नहीं बता पा रहे हैं। क्या, कौन जाएगा अपनी लड़की देने? तुमने भगा दिया 19 में। हाँ, दादा का नाम बताएं, उनके कब्रस्तान पे जाएं, गोत कौन सा गोत, क्रिश्चियन का गोत बताएंगे कि हिंदू का गोत्र बताएंगे, मुसलमान का गोत बताएंगे, तो शादी राहुल गांधी और कौन, वही खटाखट खटाखट खटाखट। अब आलू का गोत्र बताएंगे, आलू से रुपया निकालेंगे भैया, 1,00,000 खटाखट भेजेंगे। आलू से सोना, आलू से आलू सोना, सोना से रुपया। बाबा तुमको नहीं मिलेंगे 1,00,000, क्या तुम बूढ़े हो गए? युवा को कहिए नहीं, हमसे आए खुदे ले। वो कह रहे हैं बार केएल शर्मा जा रहे हैं, आ रहे हैं दीदी जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, केएल शर्मा जा रहे हैं, उल्टा हो गया, जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं। केएल शर्मा कोई पत्ता नहीं, दाल नहीं करेगी। अरे महाराज, आप तो पुराने लोग हैं, बहुत तगड़ी मूछे रखी हैं, केएल शर्मा को नहीं जानते हैं आप ही की तरह मोटी मोटी मूछे। मैं वो कांग्रेसी हूँ कि यहाँ से रायबरेली दिल्ली तक साइकिल से गया हूँ राहुल गांधी सोनिया गांधी को मनाने के लिए। अच्छा, अमेठी में केवल 6 लोग गए, 40 लोग रैलीस गए थे। हम लोगों को नहीं पहचानने वाले हैं केएल शर्मा, राहुल गांधी, बहुत सही, हम उनको वोट देंगे। मतलब क्या कहानी है, कहानी बताइए क्या हुआ था? आप कट्टर कांग्रेसी हैं, आज कट्टर कांग्रेसी बताएगा आखिर अमेठी की स्थिति क्या और केएल शर्मा क्या है? केएल शर्मा कुछ भी नहीं है, प्रत्याशी है, कुछ भी नहीं है, वो जो ही हमेशा चोरी किए वही करेंगे। हाँ, उनको केवल यहाँ के जो चंद नेता थे चाटुकार, जो जाके कार्यालय मिलते थे वही केवल है, वही पिछलोग क्यों केवल जानते हैं, बाकी अमेठी की टोटल पूरी जनता नहीं जानती उनको कौन है ये भैया। अच्छा, हाँ, यानी एक मिनट रुके, केएल शर्मा को जानते ही नहीं है? कोई नहीं जानता, केवल वही चंद लोग जानते हैं जो वहाँ कार्यालय में जाके। आप तो गए थे दिल्ली, आप तो जानते होंगे। हम नहीं जानते, हम केवल राहुल गांधी सोनिया गांधी को मनाने के लिए गए थे, साइकिल से यहाँ से दिल्ली तक गए थे। अच्छा, हाँ, तो यानी आप साइकिल से दिल्ली गए? साइकिल से गए थे, 46 लोग, 6 लोग रामेटिस थे, 40 लोग रामलीस थे। हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ दिल्ली में? मिले इनसे, इनको निवेदन किए इनसे कि आप चुनाव लड़िए, आज तक ये लोग नहीं जानते हमको कौन है। यानी आप अमेठी के रहने वाले कट्टर कांग्रेसी, यहाँ से 46 लोग किसको मनाने गए थे? राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। कौन से सन में? जिस समय राजीव जी खत्म हुए थे उसके बाद। अच्छा, 1982, वो कह रहे 84 के आसपास है, 82 के आसपास, 82 के। हाँ, अच्छा, 89 में। लेकिन 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 आपको पहचानने से इनकार कर दिया? पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि ये लोग भी कांग्रेसी हैं। अरे वो तो कह रहे परिवार है हमारा। परिवार कहाँ से, परिवार क्या है, किस चीज के? अमेठी किस पर का है उनका? है उनका वायनाड है, वही वहाँ जाए, बेल्लारी जाए। अरे केएल शर्मा जीत रहे हैं, केएल शर्मा बहुत बुरी तरह हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मुंगेरी लाल के सपने देखना सबको हसीन लगता है, सपना देखना गलत बात नहीं है, देख ले दीजिए, अभी 4 तारीख को नतीजा देखिएगा, फिर सपना
सपना देख रहे हैं। सपना तो दीदी देख रही है। अरे जो जिसको बोलना है बोले, लेकिन 4 तारीख को आपको निर्णय है भैया। सपना दीदी पूरा कर चुकी है, फिल्मी स्टाइल में बाईपास बना है, देखिए 8 किलोमीटर का। यही बाईपास राहुल गांधी को 15 साल में नहीं बनवा पाए, 15 साल में नहीं बनवा पाए। ओवर ब्रिज ककवा वाला नहीं बनवा पा सके। एक बड़ी गाड़ी चली जाती थी, जाम लग जाता था घंटों तक जाम लगता था। क्या होने वाला 20 मई को? 20 मई को 70% यहाँ पे वोटिंग होगी, 60% भाजपा को वोटिंग होगी, 60%। देखिए जनता जनार्दन और जनता की अपनी राय, और खासकर आखिरकार जनता क्या सोच रही है और आखिर होने क्या जा रहा है 20 मई को जनता की राय पे। आप भी अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा अमेठी लोकसभा से।